नमस्कार दोस्तों, एसके एक्सीलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज का कमेंट है कि सर, प्रश्नावली 15 ए का क्वेश्चन नंबर 26 बता दीजिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 26 को जो है बता देते हैं हम। कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण कीजिए। ठीक है, दो पासों को जब एक पास फेंका जाएगा तो सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी के द्वारा पूरा कीजिए। दोनों पासों की संख्या का योग, माने जब दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो दोनों पासों की संख्या का योग से मतलब समझेंगे कि जब दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है तो उस पे जो है कितने ऐसे नंबर हैं कि दोनों पासों का योग, माने मान लीजिए कि एक पासा दो पासों को एक बार उछाला जा रहा है, पासा का मतलब लूडो छक्का, तो एक साथ उछाला जा रहा है तो कभी जो है मान लीजिए क्या क्या परिणाम आ सकता है, एक और एक आ सकता है, और कभी कभी जो है एक दो आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। तो ठीक है, तो इसके लिए जो कह रहा है कि ऐसे कितने चांसेस हैं कि एक एक मैंने इन पासों के संख्याओं का योग किया जाए, मैंने एक बार उछाला गया जो परिणाम आया उनका योग करने पर दो आए, ऐसे कितने जो है परिणाम आएंगे। ठीक है, फिर ऐसे कितने परिणाम आएंगे जिनका योग करने पे तीन आए, दोनों पासों के नंबरों को जोड़ा जाए तो तीन आए, ये कह रहा है। ठीक है ना, तो इस सवाल को जो, ठीक है, फिर ऐसे कितने नंबर आएंगे जिनका योग करने पे चार आए, फिर ऐसे कितने नंबर आएंगे जिनका योग करने पे पाँच आए, फिर ऐसे कितने नंबर आएंगे जिनका योग करने पे छः आए। ठीक है, तो इस जो है सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग जो है देख लीजिए। ठीक है, तो इसके परिणामों को कुल कितने परिणाम आएंगे, तो इसके परिणामों को जब मैंने दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ जब उछाला जाता है, साथ जब उछाला जाता है तो कुल कितने परिणाम होंगे, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी, कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ठीक है ना, अब कैसे होगी अब इसको जो है आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, 36 होगा। अब कैसे होगा, इसके लिए एक सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि जब दो पासों को उछाला जाएगा तो एक जो है मैंने एक बार क्या आ सकता है, एक एक आ सकता है, एक बार जो है क्या आ सकता है, एक दो आ सकता है, मैंने कुल संभावित परिणाम हम लोग निकाल रहे हैं, और ये अनुमान किया जा सकता है कि कभी एक आ गया तो दो आ गया, एक पे एक आ गया तो एक पे दो आ गया, एक पे मान लीजिए एक आ गया तो दूसरे पे क्या आ गया, तीन आ गया। माने एक एक तरीका है सारणी बनाने का कि एक एक फिर इधर एक दो तीन चार लिखते जाएंगे। ठीक है, तो एक आ जाएगा फिर चार आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा फिर पांच आ सकता है, फिर एक आ सकता है फिर छः आ सकता है। ठीक, तो ऐसे सारणी बनाने का, फिर दो से जो है एक आ, दो एक आ सकता है, फिर दो दो आ सकता है, फिर दो तीन आ सकता है, फिर दो चार आ सकता है, फिर दो पाँच आ सकता है, फिर दो छः आ सकता है, फिर तीन से शुरू करेंगे तो तीन एक आ सकता है, फिर तीन दो आ सकता है, फिर तीन चार तीन आ सकता है, फिर तीन चार आ सकता है, फिर तीन पाँच आ सकता है, फिर तीन छः आ सकता है। फिर मतलब कुल संभावित परिणाम हम लोग देख रहे हैं क्या क्या आ सकते हैं, फिर चार एक आ सकता है, फिर चार दो आ सकता है, फिर चार तीन आ सकता है, फिर चार चार आ सकता है, फिर चार पाँच आ सकता है, फिर चार और छः आ सकता है, फिर पाँच एक आ सकता है, फिर पाँच दो आ सकता है, फिर पाँच तीन आ सकता है, फिर पाँच चार आ सकता है, फिर पाँच छः आ सकता है, सॉरी पाँच आ सकता है, पाँच पाँच फिर पाँच छः आ सकता है। ठीक है, फिर जो है क्या आ सकता है, छः एक आ सकता है, ठीक, फिर छः दो आ सकता है, फिर छः तीन आ सकता है, फिर छः चार आ सकता है, फिर
5 आ सकता है, फिर 6 6 आ सकता है। अब इससे अधिक जो है कोई संभावना नहीं बनेगा उस पे नंबर आने का, ठीक है। तो टोटल जो है कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 6 36, ये कुल परिणाम 36 बताया गया है ना, कुल परिणाम तो कुल परिणाम 36 हो गया, ठीक है। अब सवाल में यह कह रहा है कि बताइए कि ऐसे कितने परिणाम हैं जिनके अंकों का योग करने पे 2 आए, सम करने पे, ठीक है। तो देखिए, 1 1 2, एक यहाँ पे है, ठीक है, ठीक। तो 1 1 2, अब इसके अलावा और कहीं है हुँ? और कहीं नहीं है कि एक एक माने जिनका योग करने पे 2 आए। तो केवल जो है जिनका योग करने पे 2 आए उसका जो है अनुकूल परिणाम क्या है, 1 है। माने 2 सम करने पे 2 आए, माने दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आए, यह कितनी जो है प्रोबेबिलिटी बन रही है, 1, ठीक है ना। दोनों पासों को जोड़ने पर 2 आने की अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, यही एक संख्या है ना जिसका योग करने पे 2 आएगा, तो जो है अनुकूल परिणामक संख्या 1 है। अकुल परिणामक संख्या कितनी है, 36। तो प्रायिकता निकाल सकते हैं 2 आने की, प्रायिकता पी 2 आने की, 2 आने की माने योग 2 आने की, प्रायिकता योग 2 आने की कितनी है, प्रायिकता 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/36 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/36 दिया है, ठीक है, 1/36 दे रखा है। अब कह रहा है कि कितने ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग करने पे 3 आए, ठीक है, ऐसे ही क्रम से ही दिया है। ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनका योग करने पे क्या आ जाए, 3 आए। ऐसे कितनी संख्याएं इसमें हैं जिनका योग करने पे क्या आए, 3 आए। तो ये देखिए 1 2, इसका योग किया जाएगा तो 3 आएगा, आइए इसका योग किया जाएगा तो 3 आएगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्याएं नहीं मिलेंगी जिनका योग करने पे 3 आ जाए। तो योग करने पे 3 आने वाले कुल संख्याएं कितनी हैं, 2, ठीक है, यानी कि योग करने पे 3 आने की कुल संभावना कितनी है, 2। यहाँ मान लीजिए यहाँ x बराबर हम लिख दे रहे हैं, x बराबर दोनों पासों को जोड़ने पर 2 आने की अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है, माने यहाँ x को कुछ ऐसा मान लीजिए कि सम, मान लीजिए कि दोनों पासों को जो है योग करने पर जो है सम करने पर क्या x आता है, तब चलिए चलिए ऐसे कि लिखिए कि दोनों पासों का वही चीज़ जोड़ने पर जो है कितना आए, जोड़ने पर 3 आने की जो है अनुकूल परिणाम, 3 आने की अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2, ठीक। तो प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी, 3 आने की, डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्रायिकता 3 आने की क्या हो जाएगी, 2/36। प्रायिकता 3 आने की जो है प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/36, क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, 2, तो जो है 2/36 लिख देंगे, तो जो है योग 3 आने की जो है प्रायिकता हो जाएगी 2/36। इस प्रकार पी योग योग कितने आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं कि प्रायिकता बराबर जो है कितना आएगा, तो 4 आने की प्रायिकता देखिए, मैंने ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनका योग किया जाए तो 4 आ जाए। तो एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, और भी कोई है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका योग करने पे 4 आ जाए। तो जो है योग करने पे 4 आने वाली संख्याओं की कितनी हो गई, 3, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/36, ठीक है। उसी तरह से पी योग करने पे जो क्या है, 5, योग योग करने पर 5
आएगा, आइए इसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो योग करने पर 5 आए, यहाँ 5 आए, तो 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5 बना, 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, और कोई संख्या है तो 1 2 3 4, यानी कि 4 होगी, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 36, ठीक है, 4 बटा 36 हो जाएगा। इसी तरह से प्रायिकता योग करने पे कितना आ जाए, योग करने पे 6 आए आए, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी 6 आने की। अब देखिए एक ये है, इसका योग करने पे 6 आएगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो ऐसी संख्या 5 है जिनका योग करने पे 6 आए और कोई नहीं है, ठीक है, तो ऐसी संख्या कितनी है जिनका योग करने पे 6 आए, 5, यहाँ लिख देंगे 5 बटे 36, ठीक। इसी तरह से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका योग करने पे, अब आप लोग समझ ही गए होंगे, जिनका योग करने पे 7 आए, तो देख लीजिए 7 आए, तो योग करने पे वो 6 1 7 होगा, 5 2 7 होगा, 4 3 7 होगा, 4 3 7 होगा, 5 2 7 होगा, 6 1 7 होगा, और कोई है तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है जिनका योग करने पे 7 आएगा, तो यानी कि 6 बटे 36 लिख देंगे। अब ऐसे कितनी संख्या है जिनका योग करने पे 8 आए, तो देखिए 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8 1, 2 3 4 5, यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5 बटे 36, देखिए 5 बटे 36 इसका भी आया है, आया है ना, इसका भी 5 बटे 36 आ रहा है, यानी कि 8 आने वाली कितनी संख्याएं हैं, मैंने ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका योग करने पे 8 आए, तो 5 बटे 36 इसकी प्रायिकता आ ही रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका योग करने पे 9 आए, तो देख लीजिए 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9 और 6 3 9, 1 2 3 4, तो ऐसी संख्याएँ जो कितनी हैं जिनका योग करने पे 9 आए, कितनी है 4, तो 4 बटे 36, इसको सॉल्व भी करके लिख सकते हैं कि 4 1 9 4 4 9 36, सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी 4 1 9 4 4 9 36 कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो 1 बटे 9 भी लिख सकते हैं, 4 1 9 4 4 9 36, ठीक है। उसी तरह से अब कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग करने पे 10 आए, तो देख लीजिए 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, यानी कि 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 बटे 36, 3 3 12 3 36, यानी कि 1 बटे 12 हो जाएगा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे 12, ठीक। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनका योग करने पर कितना है, कितना दिया है, जिनका योग करने पर 11 है, तो यहाँ देख लीजिए 11 6 5 11 6 5 11, मात्र 2 ही ऐसी संख्याएं हैं, तो 2 बटे 36 कर देंगे, 2 2 2 2 18 36, तो हो जाएगा 1 बटे 18, ठीक है। अब ऐसी कितनी संख्या है जिनका योग करने पे 12 आए, ऐसी कितनी संख्या है जिनका योग करने पे, देखिए तो 6 6 12, यानी कि 1 ही है, तो इसको लिख सकते हैं पी, अब 12 आने के संभावना कितनी हो जाएगी, 1 बटे 36, ठीक है, तो लास्ट में 1 बटे 36 इसका भी आया है, ठीक है, लास्ट में 1 बटे 36 देखिए इसका भी आया ही है, ठीक है। तो अब हम लोग आराम से इस सारणी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, अब देखिए 3 आने की संभावना कितनी है यहाँ पे, तो पहली बार जो दिया है कि दोनों पासों को जोड़ने पर 2 आने की अनुकूल परिणाम प्रायिकता क्या निकाला गया है, हम लोग निकाले हैं 1 बटे 36, जो कि पहले सारणी में भरा है, पहले जगह पे यहाँ पे भर दिया है 1 बटे 36, और फिर 3, तो दोनों माने पासों को जोड़ने पर 3 आने के अनुकूल परिणाम 2 आ रहा है, तो जो परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, अनुकूल प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 बटे 36, 2 बटे 36 हो रहा है ना, तो यहाँ जो है 2 बटे 36 लिख देंगे, 2 बटे 36, यहाँ 2 बटे 36 लिख देंगे, ठीक है, 2 बटे 36, ठीक है। अब 4 4 के लिए मैंने योग करने पे जो है 4 आए, तो यहाँ जो क्या होगा, 3 बटे 36, मैंने काटा नहीं है, हम काट दिए थे, ठीक है ना, तो यहाँ जो 3 बटे 36 हो जाएगा,
ठीक है। और फिर योग करने पे 5 आए, इसकी जो प्रायिकता निकाला गया है तो 4/36, ठीक है। तो यहाँ 4/36 भर देंगे, ठीक है, 4/36। योग करने पर जो है 6 आए, तो 5/36, 5/36 लिख देंगे। फिर योग करने पर 7 आए, तो 7 आने की प्रायिकता देखिए, यहाँ योग करने पर 7 आए तो 6/36, ठीक है। तो 6/36 उत्तरमाला में काटा नहीं है, तो आप लोग भी मत काटिएगा, ठीक है। काट देंगे तब भी गलती नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, काट देंगे तब भी कोई नहीं मारेगा, नहीं काटेंगे तब भी कोई नहीं मारेगा, ठीक है। आई जो है 5/8 आने की प्रोबेबिलिटी जो है निकाला गया है, तो 5/36 हम लोगों का भी आया, इसका भी आया, तो यहाँ भरना ही है। 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/36, 4/36 9 आने की। फिर 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/36। फिर 11 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36। फिर 12 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, जो कि हम लोग का आया ही है, 1/36, ठीक है ना। तो यानी कि सारी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है वास्तव में आप लोगों को सवाल समझ में आता है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि नहीं होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करने का कोई कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा नोटिफिकेशन वीडियो का जो है तुरंत आप लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। नया साल आने वाला है, इसमें कुछ ऐसा कीजिए कि आप लोग अपने आप को बदल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।